हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लीगल पर्सनालिटी, लीगल पर्सन इन ज्यूरिसप्रूडेंस। तो बोला है सबसे पहले हम देखते हैं कि द मेन पर्पस क्या है लॉ का, गवर्न द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल इन ए सोसाइटी, कि क्या रिलेशनशिप है इंडिविजुअल का सोसाइटी में, ये गवर्न करता हमारा लॉ। और लॉ जो है वो कंसर्न करता है रेगुलेट ह्यूमन कंडक्ट, और द कंसेप्ट ऑफ लीगल पर्सनालिटी को कॉन्स्टिट्यूट करता है इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैटर ऑफ ज्यूरिसप्रूडेंस। ठीक है, हमारे लॉ में ही होता क्या है कि जो पर्सन की कुछ ऐसी जैसे कॉरपोरेशन होगी, कंपनी होगी या यूनिवर्सिटी होगी, जो कि ह्यूमन बींग नहीं भी है, उनको भी एज अ पर्सन की तरह ट्रीट किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं रीजन ऑफ द कंसेप्ट ऑफ लीगल पर्सनालिटी, कि लीगल पर्सनालिटी का कंसेप्ट कहाँ से आया था। तो बोला है द वर्ड पर्सन डिराइव किया गया था लेटिन वर्ड परसोना से, जिसका मतलब था मींस अ मास्क वर्न बाय एक्टर व्हाइल प्लेइंग डिफरेंट रोल इन अ ड्रामा। मतलब एक एक्टर जिसने मास्क पहना हुआ है जब वो प्ले कर रहा है रोल डिफरेंट डिफरेंट ड्रामा में। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट रोल जो है वो प्ले कर रहा है ड्रामा में। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ इट इज स्टार्टेड टू बी यूज्ड इन द सेंस ऑफ लिविंग बीइंग कैपेबल ऑफ हैविंग राइट एंड ड्यूटी। मतलब एक ऐसा पर्सन जो कि लिविंग बीइंग है, पहले तो बोला लिविंग बीइंग है और बोला साथ ही साथ कि वो कैपेबल है, राइट एंड ड्यूटीज है उसके पास, वो हो गया हमारा पर्सन। ठीक है, नाउ इट इज यूज इन डिफरेंट सेंस इन डिफरेंट डिसिप्लिन्स। इन द मॉडर्न टाइम द वर्ड हैज बीन यूज इन अ वाइडर सेंस, इट इंक्लूड नॉट ओनली द ह्यूमन बींग बट ऑल्सो एसोसिएशन गुड गॉड आइडल्स एंड कॉरपोरेशंस एंड अनदर। बोला है कि पहले तो उसने बोला कि वर्ड जो पर्सन है वो लेटिन टर्म से लिया गया है, जिस परसोना से, जिसका मतलब है कि एक ऐसा पर्सन। एक मीनिंग क्या है इस लाइन का? तो बोला है कि ऐसा लिविंग पर्सन जो कि कैपेबल है, उसके पास वो कैपेबल है, राइट एंड ड्यूटीज हैं उसके पास, वो हो गया हमारा पर्सन। ठीक है, बट बोला मॉडर्न टाइम में क्या है, हम जो है इसका सेंस जो है पर्सन वर्ड जो है उसका सेंस है वाइडर हो गया है, क्योंकि हम कुछ ऐसी ह्यूमन बीइंग नहीं भी है, कुछ ऐसी एंटिटी है जो कि ह्यूमन बीइंग नहीं भी है, उसको भी हम पर्सन की तरह कंसीडर करते हैं। जैसे कि हमारे कॉरपोरेशन होगी, कंपनीज होगी, हम उसको भी क्या करते हैं, पर्सन की तरह ट्रीट करते हैं। बट देर मे बी लिविंग पर्सन who are not treated a person in the law because they are not capable of having the right and duties such as a slave and the Hindu law। ये पहले वाले टाइम की बात करी गई है कि पहले होता क्या था कि कुछ पर्सन जैसे कि स्लेवरी का टाइम था उस टाइम, ऐसे पर्सन जिनको पर्सन की कैटेगरी पर्सन की तरह ट्रीट नहीं किया जाता था इन लॉ में, लॉ की नज़रों में उसे पर्सन की तरह ट्रीट नहीं पर्सन एज अ पर्सन जो है वो ट्रीट नहीं किया जाता, बिकॉज दे आर नॉट कैपेबल ऑफ हैविंग द राइट एंड ड्यूटी। क्योंकि जब वो स्लेव थे, दासी दास दासियों का टाइम था जब, तो उनके पास लीगल राइट एंड ड्यूटीज तो थी नहीं, तो उनको एज अ पर्सन जो है वो कंसिडर नहीं किया जाता था, लेकिन आजकल के टाइम में ऐसा नहीं होता। ठीक है, अब देखते हैं डेफिनेशन ऑफ पर्सन क्या है जो डिफरेंट डिफरेंट जुरिस्ट ने दी है। बोला है मैनी डेफिनेशन ऑफ अ पर्सन इन डिफरेंट वे हैव बीन गिवन इन द वेरियस जुरिस्ट। ठीक है, पहले देखा है सालमन ने क्या बोला, अकॉर्डिंग टू द सालमन अ पर्सन इज एनी बींग हुम द लॉ रिगार्ड एज अ कैपेबल ऑफ राइट एंड ड्यूटी। सालमन ने क्या बोला है, एक ऐसा पर्सन, एक पर्सन जो कि क्या है, कैपेबल है राइट एंड ड्यूटी के लिए, वो होता है पर्सन। सालमन की डेफिनेशन में इतनी बात करी है कि हम पर्सन उस पर्सन को बोलेंगे जिसके पास क्या है, राइट एंड ड्यूटीज हैं, जो कि कैपेबल है लॉ की नजरों में, वो कैपेबल है राइट एंड ड्यूटीज के लिए, उसे हम पर्सन बोलेंगे। एनी बींग
दैट इज सो कैपेबल इज अ पर्सन वेदर अ ह्यूमन बींग और नॉट. बोला है कोई भी पर्सन, मतलब जो कि ह्यूमन बींग है या नहीं भी है. आगे एग्जाम्पल में हम समझेंगे कि कौन कौन सी कैटेगरी होती है जो कि ह्यूमन बींग नहीं भी होती है तब भी हम उसको पर्सन समझते हैं. इसमें बोला एनी बींग, कोई भी बींग हो सकती है, दैट इज कैपेबल इज अ पर्सन वेदर वो ह्यूमन बींग है और नॉट है. नॉट बींग दैट इज नॉट सो कैपेबल एज अ पर्सन इवन दो ही बी अ मैन. ठीक है. एंड सेवेनी ने क्या बोला है, ही डिफाइंड द पर्सन एज अ सब्जेक्ट और अ बेरियर्स ऑफ द राइट. ठीक है, उन्होंने सिंपल बात करी कि द पर्सन क्या है, एज अ सब्जेक्ट और बेरियर ऑफ अ राइट. ग्रे ने क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू द ग्रे अ पर्सन इज एन एंटिटी टू विच द राइट एंड ड्यूटी मे बी एट्रीब्यूटेड. कि अ पर्सन जिसके पास क्या है, एंटिटी है टू विच द राइट एंड ड्यूटी मे बी एट्रीब्यूटेड. ठीक है, वो हो गया पर्सन. ऑस्टिन ने क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू द ऑस्टिन द टर्म पर्सन जो इंक्लूड करता है फिजिकल एंड द नेचुरल पर्सन इंक्लूडिंग एवरी बींग विच कैन बी डीम्ड ह्यूमन. कि उसने पर्सन किसे बोला है, इंक्लूड किया है फिजिकल और नेचुरल पर्सन को. फिजिकल नेचुरल पर्सन मीन हो गया कि उस एज अ ह्यूमन बींग को उसने पर्सन कहा है ऑस्टन. जो हमारी सेक्शन 11 ऑफ आईपीसी की डेफिनेशन है जिसमें बोला है सेक्शन 11 ऑफ द आईपीसी द टर्म पर्सन इंक्लूड एनी कंपनी और एसोसिएशन. ठीक है, जिसमें बोला कोई भी ऐसी कंपनी हो सकती है और एसोसिएशन हो सकती है और बॉडी ऑफ अ पर्सन हो सकता है वेदर वो इनकॉर्पोरेटेड है और नहीं भी है तब भी हम उसको पर्सन की तरह ट्रीट करें. ठीक है, पहले के टाइम में ऐसा नहीं था बट लेकिन मॉडर्न टाइम में एक कॉरपोरेशन हो गई, कंपनी हो गई, उसको भी हम एज अ पर्सन की कैटेगरी में रखते हैं जो कि सेक्शन 11 ऑफ आईपीसी में बताया गया. ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सन मतलब काइंड्स ऑफ पर्सन क्या क्या है, तो हमारे टू काइंड्स है, नेचुरल पर्सन और लीगल और आर्टिफिशियल पर्सन जिसे बोलते हैं. ठीक है, तो नेचुरल बोले देयर आर द सम नेचुरल पर्सन हु डू नॉट एंजॉय द स्टेटस ऑफ लीगल पर्सन और द पर्सन एंड वाइस वर्सा. मतलब कुछ नेचुरल पर्सन जो है वो उनके पास राइट नहीं है एंजॉय करने का लीगल पर्सन के रूप में. ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे. नेचुरल पर्सन क्या होता है, नेचुरल पर्सन इज अ पर्सन इन द लीगल मीनिंग वन हैज इट्स ओन लीगल पर्सनालिटी. कि जिस पर्सन जिसके पास अपनी लीगल पर्सनालिटी है उसको हम नेचुरल पर्सन बोलते हैं. दैट इज एन इंडिविजुअल लिविंग ह्यूमन बींग एंड अ नेचुरल पर्सन इज बींग टू होम द लॉ एट्रीब्यूट पर्सनैलिटी अकॉर्डिंग विद द रियलिटी एंड द ट्रूथ एंड ऑल्सो हु इज रिगार्डेड बाय लॉ एज हैविंग द राइट एंड ड्यूटी. मतलब जिस पर्सन के पास राइट एंड ड्यूटीज हैं उसको हम नेचुरल पर्सन बोलते हैं, लीगल नेचुरल पर्सन जो है वो बोलते हैं. ठीक है, इन ऑर्डर टू बी द नेचुरल पर्सन ह्यूमन बीइंग मस्ट सेटिस्फाइड टू कंडीशन. बोले नेचुरल पर्सन के लिए एक ह्यूमन बीइंग को टू कंडीशन जो है वो फुलफिल होनी चाहिए. पहला तो बोला ही मस्ट बी अ लिविंग ह्यूमन बीइंग. पहला कि वो क्या होना चाहिए, मस्ट बी लिविंग ह्यूमन बीइंग होना चाहिए. और दूसरा बोला मस्ट बी रिकॉग्नाइज बाय अ स्टेट एज अ पर्सन एंड मस्ट नॉट बी अ स्लेव. कि वो स्टेट के द्वारा रिकॉग्नाइज एज अ पर्सन होना चाहिए और स्लेव नहीं होना चाहिए. जो कि मैंने पहले बताया कि दास दासियों का टाइम था, उसके बाद उन लोगों के पास क्या थे, स्लेवरी होती थी उस टाइम, तो उनके पास अपने कोई राइट नहीं थे और वो एब्सल्यूट कंट्रोल में होती थी अपने बॉस की. जो उनका मास्टर होता था उनके ही कंट्रोल में होते थे, वो जो काम करने को बोलते थे वो वही करते थे, उनके पास कोई राइट नहीं था. इसलिए उन्हें नेचुरल जो एज अ पर्सन की तरह उन्हें ट्रीट नहीं किया जाता था, मतलब उसको राइट नहीं दिए गए थे. ठीक है, लीगल पर्सन देखते हैं. द वर्ड पर्सन डिराइव किया गया है लेटिन वर्ड वही पर्सोना, इट डिनोट नॉट ओनली द ह्यूमन बींग बट एनीबॉडी. जिसका मतलब क्या है कि डिनोट नॉट ओनली ह्यूमन बींग,
इसमें लीगल पर्सन को हम ओनली ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट नहीं करते, मतलब ह्यूमन बीइंग तो होंगे ही लीगल पर्सन जिनको कि राइट एंड ड्यूटीज हैं, जिनके पास वो कैपेबल हैं राइट एंड ड्यूटीज के लिए, तो उनको तो हम लीगल पर्सन बोलेंगे ही. बट एनी बॉडी और एनी थिंग विच इज परमिटेड एज अ असर्ट लीगल क्लेम्स, और कोई भी ऐसा जिस जो जो कि परमिटेड है उनके लीगल क्लेम करने के लिए और सब्जेक्ट टू द लीगल ड्यूटी, और उनकी कुछ रियल लीगल ड्यूटी है, उसको भी हम लीगल पर्सन की तरह ट्रीट करते हैं. ठीक है, लीगल पर्सन आर क्रिएटेड आर्टिफिशियली, लीगल पर्सन जो है वो क्रिएटेड आर्टिफिशियली है, एंड लॉ रिकॉग्नाइज देम एज अ लीगल पर्सन, कि लॉ के द्वारा जिसको लीगल पर्सन की तरह ट्रीट किया जाता है, रिकॉग्नाइज किया जाता है लीगल पर्सन के रूप में, देन दे आर पर्सन ओनली इन द आई ऑफ लॉ नॉट इन अ जन, कि लॉ की नजरों में जो क्या है, पर्सन है, पर्सन है, उसे हम लीगल पर्सन जो है वो ट्रीट करते हैं, जनरल में वो ह्यूमन बीइंग है या नहीं है. इसका इस सारा ही बोलने का ये मतलब है कि ह्यूमन बीइंग नहीं है, मतलब कुछ आर्टिफिशियल पर्सन होते हैं, जैसे कि हमारी कंपनी होगी, यूनिवर्सिटी होगी, कॉरपोरेशन होगी, जिसको भी हम क्या करते हैं, लीगल पर्सन की तरह ट्रीट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल के लिए कि जैसे एक फॉर एग्जाम्पल इन लॉ, इडियट्स, डेड मैन, कॉरपोरेशंस, कंपनीज, आइडल्स आर ट्रीटेड एज अ लीगल पर्सन. ठीक है, वो हो गया लीगल पर्सन. अब देखते हैं लीगल स्टेटस क्या है. मीन अंडर द आई ऑफ लॉ, लॉ की नजरों में टू टाइप ऑफ लीगल एंटिटी है, ह्यूमन और नॉन ह्यूमन, मतलब जो कि लिविंग पर्सन है और जो कि लिविंग पर्सन नहीं है. सो अ पर्सन विल विद अ ह्यूमन ह्यूमन लीगल एंटिटी, बट अ कंपनी और अ कॉरपोरेशन, ऑन द अदर हैंड इट इज अ जुडिशियल नॉन ह्यूमन पर्सन और एंटिटी, इट स्टिल हैज अ लीगल राइट एंड ड्यूटीज. एक पर्सन के पास है राइट एंड ड्यूटीज होती हैं लाइक अ ह्यूमन एंटिटी. ठीक है, लीगल स्टेटस ऑफ अनबॉर्न चाइल्ड का क्या स्टेटस है, बोला है अ चाइल्ड दैट इज स्टिल, जो कि क्या है, माँ की बोम में होता है, इज स्टिल नॉट टेक्निकली अ पर्सन, जिसको हम टेक्निकली अ पर्सन की तरह कंसिडर नहीं करते हैं, बट लीगल फिक्शंस में उस अनबॉर्न चाइल्ड के को कंसीडर किया जाता है ऑलरेडी बॉर्न, जो कि अभी माँ की, अब एक मदर की बोम में है, उसको भी एज अ लीगल फिक्शन में क्या माना जाता है, एक कंसीडर किया जाता है ऑलरेडी बॉर्न, कि उसने जो है वो एज अ पर्सन की तरह उसे ट्रीट किया जाता है, और ही इज ग्रांटेड सर्टन लीगल पर्सनैलिटी, और उसे जो है लीगल पर्सनैलिटी जो है वो दी जाती है. इफ अ चाइल्ड इज बॉर्न अलाइव ही विल देन एंजॉय लीगल स्टेटस. ठीक है, जैसे ही बच्चा जो है वो जन्म ले लेता है, उस वो एंजॉय पड़ता है लीगल स्टेटस, मतलब जब बच्चा जो है वो माँ की बूम में होता है, उसी जब ही तभी से उसको राइट मिलना शुरू हो जाते हैं, जैसे तभी से वो राइट उसके पास आ जाते हैं, जैसे प्रॉपर्टी का राइट हो गया, सक्सेशन का राइट हो गया. ठीक है, वो सारे राइट जो हैं वो उसे मिल जाते हैं. सर्टेन प्रोविजन देखेंगे हम अनबॉर्न चाइल्ड के अंडर द इंडियन लॉ, एज पर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में वी कैन ट्रांसफर द प्रॉपर्टी फॉर द बेनिफिट ऑफ अनबॉर्न चाइल्ड. ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में ट्रांसफर कर सकते हैं प्रॉपर्टी फॉर द बेनिफिट ऑफ अनबॉर्न चाइल्ड. ठीक है, जिस बच्चे ने भी जन्म नहीं लिया उसके नाम पर हम ट्रांसफर कर सकते हैं प्रॉपर्टी. ठीक है, एंड एज पर द इंडियन सक्सेशन एक्ट वी कैन क्रिएट अ इंटरेस्ट इन द नेम ऑफ अनबॉर्न चाइल्ड इन अ प्रॉपर्टी, की इंटरेस्ट क्रिएट कर सकते हैं उस अनबॉर्न चाइल्ड के नाम पर उस प्रॉपर्टी में, बट द इंटरेस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी कैन ओनली द वेस्टेड आफ्टर द चाइल्ड इज बॉर्न अलाइव. ठीक है, एंड जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है एज पर द मिताक्षरा लॉ, एज अनबॉर्न चाइल्ड है, ठीक है, विल हैव द इंटरेस्ट ऑफ कंपासनरी प्रॉपर्टी. और क्रिमिनल प्रोसीजर स्टेटेड दैट द फीमेल इमेंट इनमेंट सेंटेंस टू डेथ इज फाउंड टू बी द प्रेगनेंट एंड द एग्जीक्यूशन इज पोस्टपोन्ड टिल द चाइल्ड हैज चांस टू बी बॉर्न. ठीक है, ये होते हैं अनबॉर्न चाइल्ड को के लीगल स्टेटस और उसके उसके राइट. ठीक है, अब हम देखते हैं लीगल स्टेटस एज अ ऑफ अ डेड मैन.
एक डेड मैन के क्या लीगल स्टेटस हैं, और एक डेड पर्सन जो होता है इज नॉट नो मोर अ लीगल एंटिटी, जिसको लीगल एंटिटी जो है वो कंसीडर नहीं किया जाता एज सून एज अ पर्सन डाइज, कि जब वो उसकी डेथ हो जाती है, क्योंकि ही बिकम इनकैपेबल होता है इंजॉय करने के लिए राइट और परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी, कि वो उसको हम लीगल पर्सन लीगल एंटिटी इसलिए कंसीडर नहीं करते हैं क्योंकि वो जो है इनकैपेबल है इंजॉय करने के लिए लीगल जो उसकी राइट्स हैं और कुछ ड्यूटीज हैं उनकी परफॉर्म करने के लिए वो क्या है इनकैपेबल है. सो द लीगल पर्सनैलिटी ऑफ अ पर्सन जो है वो एंड हो जाती है विद द डेथ. जब एक इंसान की डेथ होगी तो उसकी लीगल पर्सनैलिटी जो है वो एंड हो जाती है. हाउएवर द लॉ डज कंसीडर द विशेज एंड द डिजायर ऑफ द डिसीज डिजीज पर्सन, एंड इट ऑल्सो टू इंश्योर दैट देयर इज नो फॉल्स हार्म टू द रेपुटेशन ऑफ डिसीज एज पर द इंडियन लॉ. एवरी पर्सन हैज अ लीगल राइट ऑफ द डिसेंट रूअल एज पर द रिलीजियस फेथ एज एनी एक्ट और अमाउंट ऑफ द इंडिजेंटली ऑफ द कॉर्पस ऑफ द पनिशेबल बाय द सेक्शन 297 ऑफ इंडियन पेनल कोड. दिस इज अप्लाइज टू द होमलेस पर्सन विदाउट एनी फैमिली. ठीक है, मतलब एक बोला है एवरी पर्सन, हर एक पर्सन के पास लीगल राइट है उसके रिलीजियस फेथ पर. बोला है कि एक पर्सन को राइट होता है जब उसका डेथ उसकी डेथ होगी तो उसकी जो भी जो उसकी डेड बॉडी होगी उसको रिलीजियस कि उसको उसकी रिलीजन के अकॉर्डिंग जो भी उसका अंतिम संस्कार होगा वो किया जाएगा. ये उसके उसका जो है वो राइट है, मतलब मतलब जिस जो भी यदि उसका घर नहीं है उसकी फैमिली नहीं है तो उसको उसके रिलीजन के अकॉर्डिंग जो है वो उसको क्या किया जाएगा, उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा. और बोले विशेज ऑफ द डेड पर्सन रिगार्डिंग द प्रॉपर्टी मस्ट बी फुलफिल्ड एंड दैट इज डन फॉर द बेनिफिट ऑफ द लिविंग हु आर द बेनिफिटेड ऑफ सच विल. एंड बोला है जो डेड पर्सन है उसे डिफेम नहीं किया जाएगा अंडर सेक्शन 499 में ऑफ द इंडियन पेनल कोड. ये इंक्लूड करता है एनी थिंग, कोई भी ऐसा पर्सन जो उस डेड पर्सन की रेपुटेशन को हार्म कर रहा है, बाद में उसको मतलब कुछ ना कुछ बोले जा रहा है, तो उसकी उसको प्रोटेक्ट करता है कि उसको डिफेम नहीं किया जाएगा और उसकी अच्छे तरीके से उसकी उसके रिलीजन के अकॉर्डिंग क्या किया जाएगा, उसको उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा. ठीक है, और लीगल स्टेटस एज अ ड्रंकार्ड एंड लुनेटिक एंड माइनर. तो बोला है लीगल स्टेटस ऑफ ड्रंकर्ड एंड द माइनर एंड लुनेटिक हैव द सम स्पेशल कंसिडरेशन. दीज पीपल आर ऑल ऑब्वियस नेचुरल पर्सन, उनको नेचुरल पर्सन की तरह ट्रीट किया जाता है. ऑल हैविंग द लीगल आइडेंटिटी, उनके पास लीगल आइडेंटिटी होती है. एंड हाउ एवर दे आर कंसिडर इनकेपेबल टू एंटर एनी कॉन्ट्रैक्ट, बट होता क्या है कि वो इनकैपेबल होते हैं किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए, क्योंकि एज पर द लॉ एवरी पर्सन हु इज अटेन द मेच्योरिटी, कि हमारे लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि जो पर्सन जिसने अटेन कर ली है एज ऑफ मेच्योरिटी वो कैपेबल होता है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए. जब हमने कॉन्ट्रैक्ट कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देखा था तो उसमें देखा था कि कोई भी पर्सन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट तभी कर सकता है जब वो कैपेबल होगा, मतलब वो साउंड माइंड है और मेजर है तभी वो एंटर हो सकता है किसी कॉन्ट्रैक्ट में. तो बोला है कि इनको तो एज अ लीगल आइडेंटिटी होती है और नेचुरल पर्सन माना जाता है, बट वो उनके पास बस यही राइट नहीं होता कि वो एंटर नहीं हो सकते किसी कॉन्ट्रैक्ट में. दैट इज ऑब्वियस मीन अ माइनर इज कैपेबल ऑफ डूइंग दैट अदर देन देर आर द सर्टन पर्सन हु आर इनकैपेबल ऑफ एंटरिंग एनी कॉन्ट्रैक्ट. सो पर्सन इज हु इज मेंटली आर अफेक्टेड इंक्लूड द लुनेटिक एंड ड्रंकनेस पर्सन एट द टाइम वो क्या कर सकते हैं एंटर नहीं हो सकते हैं, इनकैपेबल है उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए. ठीक है, ये हमने लीगल पर्सनैलिटी का टॉपिक जो है वो कंप्लीट कर लिया है. यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन. एंड साथ ही साथ मैं आपको बताती चलूँ कि मेरा जो ये चैनल है लॉ लर्निंग स्कूल,
यहाँ मैंने सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट बनाई है, यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके ये वीडियो देख सकते हैं। साथ ही साथ आज की वीडियो यदि आपको अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और प्रेस करिए बेल आइकन को, ताकि आगे आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।